नए बिहारियों के घुटने पर राहुल गांधी को रगड़वा दिया ना, नाक तक कहेंगे। इंदिरा गांधी कौन जात से शादी की, तो राजीव गांधी कौन जात हुए, और राहुल गांधी की मम्मी इटली की क्रिश्चियन हैं, और उनके पिताजी पारसी हुए, तो राहुल गांधी कौन जात हुए। अगर कांग्रेस बिहारियों का स्वाभिमान सम्मान चाहती है तो पहले उस रेड्डी को मुख्यमंत्री पद से हटाए। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, वो बोले हैं कि हमसे पहले जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे केसीआर, वो कुर्मी जाति से आते हैं और वो बिहार यूपी के ओरिजिन के हैं, उनसे अच्छा हमारा डीएनए है। तेलंगाना वाले वो कह रहे हैं अपने आप को, तो हे रेड्डी, हे मुख्यमंत्री, कांग्रेस वाले तेलंगाना वाले, बताओ तुम कौन जात हो। बिहारियों को गाली देने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री, बताओ तुम कौन जात हो, और बताओ तुम्हारे आका राहुल गांधी कौन जात हैं। आए इंदिरा गांधी कौन जात से शादी की, तो राजीव गांधी कौन जात हुए, और राहुल गांधी की मम्मी इटली की क्रिश्चियन हैं, और उनके पिताजी पारसी हुए, तो राहुल गांधी कौन जात हुए, बताइए। वो तो ब्राह्मण बोलते हैं खुद को। के ब्राह्मण है? जनाधारी ब्राह्मण राहुल गांधी। राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? राहुल गांधी के दादा कौन जात थे बताइए? पारसी थे वो, फारूक। और राहुल गांधी की मम्मी कौन जात हैं? वो भी ये क्रिश्चियन है। तो राहुल गांधी कौन जात हुए? लेकिन मानते हैं खुद कैसा डीएनए है? जनाव पहनते हैं ना सर। रेवंत रेड्डी से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी का डीएनए कैसा है, उनके पिताजी पारसी, मम्मी कौन जात, क्रिश्चियन समाज से आती हैं, तो राहुल गांधी का डीएनए कैसा है, ये पहले हमको रेड्डी बतावे, तब बिहारी पे बात करे। बिहारी बोलता है, अब बिहारी का डीएनए खराब बोलता है। दशरथ मांझी सब कहाँ पैदा हुए? आए गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तेलंगाना में हुई। आए गुरु गोविंद सिंह कहाँ पैदा हुए? और नीतीश कुमार भी कुर्मी हैं, इनको गाली दिया है फिर से। एक बार तो मोदी जी गाली दिए थे कि डीएनए खराब है, अब ये कांग्रेस वाले रेड्डी बोल रहे हैं। रेड्डी कौन जात हो बताओ पहले? अगड़ी जात आता है वो। हाँ तो अगड़ी जात का है तो कुर्मी को गाली देगा? आप कौन जात हैं? हम भी कुर्मी हैं। आपको भी गरियाया है, आपका डीएनए खराब बोला है, आपको शर्म नहीं आती है? उस पे अपना बयान हम देंगे। बोलिए, आप बोलिए। हम तो बोल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के जाति के डीएनए को खराब बोला है, बैकवर्ड के डीएनए को खराब बोलाते हैं रेड्डी। तुम्हारे कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है, बताओ उनका डीएनए अच्छा है कि तुम्हारा डीएनए अच्छा है? तुम डीएनए की बात करते हो? हैं, तुम्हारा हैदराबाद को तो जबरदस्ती पटेल इसीलिए गाली दे रहे हैं क्या? तुम्हारा हैदराबाद को जबरदस्ती भारत के में शामिल करवाए लव पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कुर्मी थे, तुम उनको गाली दे रहे हो? राजी भी कुर्मी थे। हाँ, और बाबा साहब को इतना मदद किए, साहू जी महाराज वो भी कुर्मी थे, गायकवाड़ भी कुर्मी होता है। पुराना दुश्मनी है, ये बीजेपी का आदमी है। कांग्रेस में एगो आचार प्रमोद कृष्णम बीजेपी का आदमी है, एगो रेड्डी बीजेपी का आदमी। स्लीपर सेल है क्या ये? एकदम है, ये नहीं चाहता है कि जो है नीतीश कुमार पीएम बने। हाँ यही बात है यार, आए थे यहाँ पे। अरे कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो, इसलिए उसके जात को गाली दो, उसके राज्य को गाली दो, और वही काम रेड्डी कर रहा है। ये रेड्डी आवे बिहार, एक बार आइए रेड्डी बिहार, उसके बाद बताएंगे कि बिहार का डीएनए कैसा है। ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक बार जो है होता ना पार्टी में जो पार्टी कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, आई कह रहे हैं हमारा जात का डीएनए अच्छा है। तो खड़गे का डीएनए अच्छा है कि रेड्डी का डीएनए अच्छा है कि राहुल गांधी का डीएनए अच्छा है? डीएनए की बात की होने जी। तो नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए? नीतीश कुमार कहाँ चुप हैं, अभी नीतीश कुमार बोलेंगे इस पे। काहे नहीं बोलेंगे? जो आएगा नीतीश कुमार के डीएनए को खराब बोल देगा, उनके जात के डीएनए को खराब। ये कांग्रेस वाले लगातार जो है, पहले आपने देखा कमलनाथ ने किस प्रकार से अपमान किया अखिलेश यादव का, अब रेड्डी जी कर रहे हैं। ये कांग्रेस वाले ठेका ले रखे हैं क्या अपमान करने का? एकदम बहुजनों को बेइज्जत करता है ये लोग। ये नहीं चाहता इंडिया एक हो, इंडिया गठबंधन एक हो। हाँ इंडिया, ये लोग हताश हो गया है कांग्रेस वाला। और देखिए मामला ये है कि तीन राज्यों में कांग्रेस की हुई है करारी हार और बीजेपी जीत गई है। अब ये लोग जो महागठबंधन के ये जो दल हैं लालू गुट, वो चाह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बना दें, और कांग्रेस कोई बात पच नहीं रहा है। कांग्रेस वाले चाह रहे हैं राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बना दें।
तो नीतीश कुमार को दबाने के लिए उनके जात को गाली दो, बिहारियों को गाली दो, लालू यादव को दबाने के लिए बिहारियों को गाली दो, तो लालू यादव जानवे करते हैं ना, उड़ती चिड़िया खल्दी लगाते हैं। तो रेड्डी उड्डी कौन है, रेड्डी कब से जानने लगे आप उसको, रेवंत रेड्डी का नाम? जब सीएम का चेहरा हुआ तब बना, तब जान रहे हैं। और नीतीश कुमार कई साल से सीएम है? 18 साल से सीएम है। लालू यादव कई साल सीएम रहे, उनके पार्टी की सत्ता रही? 15 साल रहे वो, केंद्र में मंत्री रहे। तो लालू यादव को कितना लोग जानता है? यहाँ डीएनए से किसी की पहचान नहीं होगी, ये लोकतंत्र है बाबा साहब का, यहाँ ज्ञान से मेरिट से दम होगा, मुकाबला होगा। ये क्षेत्रवाद को बढ़ाने की प्रयास है कांग्रेस द्वारा। एक और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते थे कौन? वह शिवसेना वाले। अभी कहाँ हैं? अभी कांग्रेस के साथ हैं। तब वो भी अक्सर जो है बिहार को लेके उलोल जुलोल बातें हाँ, किया करते थे। अभी क्या हाल हुआ? अब बिहारियों को सलाम ठोकते हैं, सलामी वो लोग। चैलेंज हो गया था कि छठ पर्व नहीं मनाने देंगे, लालू जी बोल देते हम आ रहे हैं, लेकिन नहीं गए। हाँ, बकस दिए। हाँ, जब जिसको पॉपुलर होना है, एक और बात बताते हैं, बिहार में बहुत सारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल बनाता है, तो बहुत वीडियो नहीं चलता, तो कुछ उसमें बहुजन भी रहता है, तो हम उसको बोलते हैं तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा है तो मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ जम के, खूब चैनल चलेगा। उसी तरह देश भर में किसी भी नेता को पॉपुलरिटी नहीं मिल रही है, खबरें नहीं बन रही है, तो बिहारियों को गाली दो, पॉपुलर हो जाओगे। माफी भी नहीं मांगा अब तक। माफी तो गोल पकड़ के मांगेगा वो, उसको हटाए पहले मुख्यमंत्री पद से। अगर कांग्रेस बिहारियों का स्वाभिमान सम्मान चाहती है तो पहले उस रेड्डी को मुख्यमंत्री पद से हटाए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यूपी बिहार सब टारगेट होता है क्या? यूपी बिहार सब टारगेट है, जलन सबसे आगे, बिहारी हर चीज में जलन। अरे बिहारी हर जगह है, हर फील्ड में है, और तेलंगाना में भी है। तेलंगाना सब बिहारी आ जाएगा ना, तो तेलंगाना बैठ जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं देश एक है, सबको बराबर सम्मान देना। संघीय ढांचा के दुश्मन है लोग, देशद्रोही है। कोई भी व्यक्ति, भारत एक संघीय देश है जिसमें कई प्रांत हैं और सब मिलकर एक देश बना है, राष्ट्र बना है, राज्य बना है, और इसके खिलाफ जो बोलता है वो देशद्रोही है, राजद्रोही है वो। अब ऐसे राजद्रोही को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, एगो उन्हें गुंडागर्दी कर रहा है, बीजेपी को विधायक बना है, मुझे हवा महल से कौन बाल मुकुंद है आचार्य का है, हाँ बाल मुकुंद आचार्य, एगो गुंडागर्दी कर रहा है थाना में जाके, एगो ही गुंडागर्दी, वो तो मीट का दुकानें बंद करवा रहे हैं, बजाते हैं, अब घर में खाता होगा, एगो ही गुंडागर्दी कर रहा है। देखिए राहुल गांधी जी, ये मुख्यमंत्री जो है तेलंगाना का, उसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और उसको बिहारी क्या होता है और बिहारी डीएनए क्या होता है ये उसको जानना है, तो उसको बिहार भेजिए और हम लोग उसको बताएंगे कि बिहारी डीएनए क्या होता है, टैलेंट क्या है, टैलेंट क्या, तो पहले डीएनए बताएंगे कि बिहारी का डीएनए क्या है। नए बिहारियों के घुटने पर राहुल गांधी को रगड़वा दिया ना, नाक तक कहेंगे, नहीं तो अभी भी कहिए पहले माफी मांगे और उसके बाद सीएम पद से हटाइए, एकदम उससे नीचे कोई समझौता नहीं, नहीं तो कोई भी एक व्यक्ति बिहार का कांग्रेस को वोट नहीं देगा लोकसभा चुनाव में, सपना नहीं देखे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने। ऐसे ऐसे चिरकुट नेताओं को एक्साइट करना पड़ेगा, महा चिरकुट है जो बिहारी को गाली देगा, चिरकुट नहीं महा चिरकुट है, सम्मान से कोई समझौता नहीं, समझौता नहीं कोई पार्टी रहे, बीजेपी वाला भी धोएगा अभी उसको, यही मौका देता है, और यही कांग्रेसी लोग बीजेपी को जिताता है। आई गो तीन को स्टार प्रचारक पत्रकार है ये, जहां जाता है कांग्रेस को जिताता है और कांग्रेस हार जाता है। नमो बोलने दीजिए साक्षी जोशी, अजीत अंजुम और एक बार पुनः प्रसून वाजपेयी, सब कांग्रेस का स्टार प्रचारक है लोग। हाँ पत्रकार ने वो कहीं भी कांग्रेस को हार नहीं बताता है कि हार रहा है, सागरों कर ले जीत रहे, हार जाए। चलिए।